कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20ों की 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 4 टीमें कल मैंने आपको बताया था, 16 टीमें लगी हुई थी और 4 रिजर्व में थी। अब 20ों की 20 टीम डिप्लॉयड हैं और ग्राउंड पर डिप्लॉयड हैं। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। इवैक्यूएशन के बारे में मैं बताऊंगा आगे। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाई में हैं। 2 में से और एक टीम कलकत्ता में बुलाया गया है क्योंकि कलकत्ता जो नगरीय क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, उसमें उनको लगाया गया है। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और QDA है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड वी कैन सेटअप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। जो डैमेज होने वाला था ओडिशा में लगभग हो चुका है और 2-3 घंटे के लिए भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इसका विंड का इंपैक्ट रहेगा। सो ये हम कल भी बोल चुके हैं और इसमें जो लिखा गया है अकॉर्डिंगली कुछ डैमेज रिपोर्ट भी हमारा जानकारी में आए हैं। सिर्फ अभी इंपैक्ट रहेगा भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में फ्यू आवर्स, 2-3 आवर्स के लिए, इसके बाद और ओडिशा में कोई डैमेजिंग इंपैक्ट नहीं रहेगा। और यहाँ भी फिशिंग ऑपरेशन बंद रहेगा आज क्योंकि सी अभी भी स्ट्रांग है, डिस्टर्ब है, और रेल रूट वगैरह भी सिंस बालासोर भद्रक अभी भी डिस्टर्ब है, वहाँ नहीं होना चाहिए और अफेक्टेड एरिया में लोग अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए।